ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, के हमने रेजिस्टर्स को सीरीज़ कम्बिनेशन में अटैच करना है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ सीरीज़ कम्बिनेशन। सीरीज़ कम्बिनेशन होता है अ सर्किट विच हैज़ ओनली वन पाथ, विच हैज़ ओनली one path for flow of current। एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट के फ्लो करने का एक ही पाथ हो। सर्किट विच हैज ओनली वन पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के पास गुजरने का एक ही रास्ता होता है। हम सीरीज़ कम्बिनेशन को पढ़ते वक्त जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे, आप उसमें देखिएगा एक ही रास्ता है, और हमने उसमें यूज़ करने हैं टोटल तीन रेजिस्टर्स। तो कुछ यूँ है कि ये रेजिस्टर नंबर वन, उसके बाद रेजिस्टर नंबर टू, रेजिस्टर नंबर थ्री। तो पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कि कैसे का होगा। यहाँ पर हम बीच में लगा देंगे, सबसे पहले यहाँ पर पहला रेजिस्टर लगेगा, फिर यहाँ दरमियान में गैप में दूसरा रेजिस्टर, फिर इस गैप में थर्ड रेजिस्टर, एंड यहाँ से फिर हम इस टर्मिनल को एक्सटेंड करके नीचे हम दोनों साइड से ज्वाइन कर देंगे बैटरी के साथ, और स्विच बीच में लगा देंगे। यहाँ पर हम लगा देंगे एक स्विच, और यहाँ पर हम लगा देते हैं जी एक बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव। ये करंट के फ्लो का पाथ होगा। ये जो बीच में हमने ऊपर स्पेसेस छोड़ दिए थे, यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे अपने रेजिस्टेंसेस या रेजिस्टर्स। ये पहला रेजिस्टर, रेजिस्टर नंबर टू, यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टर नंबर थ्री। नेक्स्ट इस रेजिस्टर का नाम आर वन, मतलब इस रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो आर वन, इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस आर टू, इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस आर थ्री, बैटरी का पोटेंशियल वी, एक तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव बड़ा बनाया बिकॉज पॉजिटिव इज़ हाई पोटेंशियल, नेगेटिव इज़ एट लो पोटेंशियल। दिस इज़ द स्विच और द की, इसको एस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बैटरी से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ करंट आई, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कि ग्रेटर द पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन आई कुछ इस डायरेक्शन में है। अब चूंकि करंट के पास गुजरने का एक ही रास्ता है, तो करंट तीनों रजिस्टर्स में से पास करता हुआ दूसरे एंड तक पहुँचेगा। तो इस दौरान करंट की अमाउंट थ्रू आउट सेम रहेगी। द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर आर वन विल बी इक्वल टू द रजिस्टर आर टू एंड द रजिस्टर थ्री, के तीनों रजिस्टर्स में से गुजरते वक्त करंट की अमाउंट सेम होगी। बिकॉज व्हाट इज द करंट, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो जितने चार्जेस आर वन से गुजरेंगे उतने ही आर टू से, उतने ही आर थ्री से, सो करंट विल रिमेन द सेम जब ये स्विच ऑन होगा। नेक्स्ट, वट विल बी द पोटेंशियल। तो करंट तीनों के लिए सेम है, इन तीनों के लिए करंट की वैल्यू सेम, एंड दैट इज आई। वट अबाउट द पोटेंशियल, पोटेंशियल तीनों के लिए सेम नहीं होगा, बिकॉज बैटरी से निकलने वाले चार्जेस का सबसे पहले पोटेंशियल लॉस होगा रजिस्टर आर वन पे, फिर कुछ पोटेंशियल लॉस होगा आर टू पे, फिर पोटेंशियल आर थ्री पे। तो तीनों को चूंकि एक जैसा पोटेंशियल नहीं मिलेगा, तो हम ये कह देते हैं कि टोटल पोटेंशियल जो था वो वी था, वो तीन हिस्सों में, तीन टुकड़ों में बटकर कम हुआ, वी वन, वी टू, और थर्ड रजिस्टर पे जो ड्रॉप हुआ वो है वी थ्री। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइड होकर कम हुई पोटेंशियल, सॉरी, पहले हिस्से पर, पहली रेजिस्टर पर जो ड्रॉप हुआ वो वी वन, दूसरे हिस्से पर जो ड्रॉप हुआ वो वी टू, तीसरे हिस्से पर वी थ्री। ये तीन हिस्सों में अलग अलग क्यों? क्योंकि हर रेजिस्टर की वैल्यू एक जैसी नहीं है, तीनों रेजिस्टर डिफरेंट वैल्यूज़ के हैं, तो वैल्यू भी उसकी डिफरेंट होगी। अब अगर इस चीज़ को हम अप्लाई करें अपने फॉर्मूले में, तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो टोटल पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल के हमने हिस्से किए तीन, तो टोटल पोटेंशियल था वी, वी अपने तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया, वी वन प्लस वी टू प्लस
V3, जो टोटल पोटेंशियल का ड्रॉप आया होगा वो तीनों पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। अगर इसी चीज़ को हम इस्तेमाल करें तो हम इसी चीज़ को यूज़ करके यूँ लिख सकते हैं, वी इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी इज़ इक्वल टू IR। अगर मैं ये पुट करूँ तो वी इज़ इक्वल टू V1 IR1 प्लस V2 IR2, और थर्ड के लिए अगर मैं पुट करूं तो IR3। नेक्स्ट I इन सब में से कॉमन, अगर इन सब में से I को कॉमन निकाल लें तो V इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। रेजिस्टेंस तीनों में से कॉमन, I को लेफ्ट साइड पर हम डिवाइड कर दें तो हम ये लिख सकते हैं V ओवर I इज़ इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से हम कुछ इस सारे डायग्राम से कुछ प्रॉपर्टीज़ भी सीरीज सर्किट की डिफ़ाइन करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमने इस सर्किट से डिफ़ाइन की, हमने ये कहा कि इन सीरीज सर्किट करंट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द सेम। रजिस्टर R1 के अगर करंट को मैं I1, I2 या I3 कह भी दूँ तो तब हम ये लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। ये पहला हमने रिजल्ट इन्फर किया सीरीज कम्बिनेशन से। दूसरा रिजल्ट हम जो इन्फर करते हैं वो ये करते हैं कि टोटल जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप करता है तीन हिस्सों में। तो जो टोटल वो ड्रॉप करता है वो V1 V2 और V3 इन तीन हिस्सों में ड्रॉप करता है। और नेक्स्ट चीज़ रेजिस्टेंस की बात, तो V ओवर I रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, बिकॉज आपने पढ़ा था एज V इज इक्वल्स टू IR, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट R इज इक्वल्स टू V ओवर I। अगर R V ओवर I के इक्वल है तो यहाँ पर पुट हो जाएगा V ओवर I इज इक्वल टू R इक्वलेंस रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये होगा जी हमारा फाइनल रिजल्ट कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल रेजिस्टेंस इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस बीइंग एडेड। कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस का सम तमाम तर रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। अब यहाँ पर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर हमने डिफाइन करना है, वो इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस एडअप होती है। सपोज ये रेजिस्टर की वैल्यू है रेजिस्टेंस की 2 ओम, इसकी लेट से 4 ओम, यहाँ पर इस रेजिस्टर की वैल्यू 6 ओम। टोटल जो रेजिस्टेंस होगी इस पूरे सर्किट की तो वो कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू RE विल बी इक्वल टू R1 दैट इज 2 ओम्स प्लस R2 दैट इज इक्वल टू 4 ओम प्लस 6 ओम। तो इन सब को ऐड करें तो इस टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस होती है इट इज़ इक्वल टू 12 ओम। रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू हर इंडिविजुअल से ज़्यादा है, मतलब हर इंडिविजुअल एक रेजिस्टेंस थी 2, दूसरी थी 4, तीसरी थी 6, फाइनल कितनी है 12, सबको ऐड कर लें तो फिर 12 आंसर आता है। और ये 12 जो आंसर है ये इंडिविजुअल से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर सीरीज़ कम्बिनेशन का एक और रिज़ल्ट निकाल लिया हमने कि फाइनल रेजिस्टेंस इक्वलेंस रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन R1, R2, R3 की इक्वलेंस रेजिस्टेंस इन तीनों से बड़ी होती है। लेकिन जब आप पैरेलल कम्बिनेशन को हम सॉल्व करेंगे तो पैरेलल कम्बिनेशन को सॉल्व करते वक्त रेजिस्टेंस की वैल्यू तीनों के लिए एक जैसी नहीं होती। नेक्स्ट हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं रेजिस्टेंस R3 के लिए पैरेलल कम्बिनेशन के लिए, कि नेक्स्ट आ गया पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर डेफिनेशन, सबसे पहले एक पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर करंट के पास गुजरने के लिए मोर देन वन पाथ, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी पैरेलल कम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, अ सर्किट इन विच करंट हैज
मोर देन वन पाथ, मोर देन वन पाथ टू फ्लो. अ सर्किट इन विच देर आर मोर देन वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट. आप यूं भी इसको लिख सकते हैं, एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट के पास गुजरने के एक से ज़्यादा रास्ते हों. तो इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. इसकी डायग्राम बनाते वक्त ध्यान से, अक्सर बच्चे इसकी डायग्राम में गलती करते हैं. तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे कि हमने तीनों रजिस्टर्स को अटैच किस तरह से करना है. तो ये हमारा बेसिक आ गया इन अ सेंस एक स्ट्रक्चर कि आपने तीन अलग अलग पाथ प्रोवाइड कर रखे हैं. इन तीनों पाथ्स के अंदर हमने अटैच करनी एक एक रेजिस्टेंस. तो यहाँ पर हम तीनों पाथ्स के अंदर, तीनों रास्तों के अंदर एक एक रेजिस्टेंस लगा देंगे. नेक्स्ट चीज़ डायग्राम, बच्चों फिर वही बात, जितनी अच्छी डायग्राम मार्क्स आपके उतने ज़्यादा. तो नेक्स्ट, यहाँ पर हमने तीन ये पाथ बना लिए. इन तीनों पाथ्स के अंदर थोड़ा सा गैप क्रिएट कर दें, यहाँ पर हम अपने रेजिस्टर्स लगा देंगे. नेक्स्ट इन को एक ही पाथ की मदद से कनेक्ट कर दें बैटरी के टर्मिनल्स के साथ. तो यहाँ पर हम इनको कनेक्ट कर देंगे बैटरी के टर्मिनल्स के साथ. तो नेक्स्ट चीज़ ये हो गया जॉइन. यहाँ पर बीच में ड्रा कर देंगे हम बैटरी, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. दो बैटरीज भी लगी हों तो फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा और कोई बात नहीं है. बैटरी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है वी, सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा आई व्हेन द स्विच इज ऑन. तीन रेजिस्टर, पहला रेजिस्टर आर वन, फर्स्ट रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है आर वन, दूसरे रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है आर टू. R1 और R2 सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है और ना ही तीसरा कोई इन जैसा है. तो R3 हमने इंड्यूस कर दी, बीच में लगा दी सर्किट में. स्विच को ऑन करने पर करंट फ्लो करेगा, करंट की अमाउंट जो फ्लो कर रही है वो आए है, इस पॉइंट तक करंट सेम होगा. उसके बाद करंट के पास तीन रास्ते हैं. यहाँ पर करंट I1, इस तरफ जो करंट गया वो I2, इस तरफ जो करंट गया वो होगा I3. अब यहाँ पर एक बात जहन में रखिएगा, आई वन, आई टू और आई थ्री सेम नहीं होते. क्यों? क्योंकि करंट के पास गुजरने के एक सॉरी करंट के पास गुजरने के एक से ज़्यादा रास्ते, करंट के पास जब गुजरने के एक से ज़्यादा रास्ते होंगे तो करंट हमेशा आसान से आसान रास्ते को प्रेफर करता है. मतलब ज़्यादा करंट उस पाथ में से फ्लो करेगा जहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, और मिनिमम करंट वहाँ पर पास करेगा जहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है. अगर मैं ये कह दूँ आर थ्री सबसे बड़ी है तो सबसे कम करंट आर थ्री की तरफ फ्लो करेगा, अगर आर वन सबसे छोटा है तो आर वन की तरफ करंट सबसे ज़्यादा फ्लो करेगा. द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग टू फ्रॉम रेजिस्टेंस वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की अमाउंट पे. रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो अमाउंट ऑफ करंट कम होगी, बिकॉज आई इज इक्वल्स टू वी ओवर आर, ग्रेटर द रेजिस्टेंस लेसर विल बी द अमाउंट ऑफ करंट. सो करंट टोटल कितना था आई, तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ, यहाँ से होता हुआ आगे फिर ये कंबाइन होके करंट आए ही यहाँ तक पहुँचेगा. तो करंट तीन हिस्सों में डिवाइड हो रहा है तो हम यूँ लिख सकते हैं टोटल करंट आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री. रही बात पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल तीनों के अंदर सेम होगा क्योंकि तीनों रेजिस्टर डायरेक्टली इसी बैटरी के साथ अटैच हैं. तो जब डायरेक्टली अटैच हैं तो इन तक पहुंचने वाला हर चार्ज एक जितना पोटेंशियल रखेगा, क्योंकि उन्होंने एक जितना वर्क किया इस पॉइंट तक ट्रैवल करने के लिए. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रेजिस्टर विल रिमेन सेम. अगर हम इनके पोटेंशियल को V3, V2 और V1 से लिख भी दें तो अल्टीमेटली हमें ये इक्वेशन रीराइट करनी पड़ेगी. V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3. तो पहला रिजल्ट जो हमने इन्फर किया पैरेलल कॉम्बिनेशन से वो ये कि करंट अमाउंट ऑफ द करंट डज नॉट रिमेन्स द सेम. दूसरा हमने जो रिजल्ट इन्फर किया द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल रिमेन्स द सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर विल रिमेन सेम. अगर हम इस इक्वेशन को यूज़ करें तो
तो हम नेक्स्ट स्टेप में पुट कर सकते हैं आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, आई इज इक्वल टू आई वन वी ओवर आर वन प्लस I2 की जगह हम पुट कर देंगे V ओवर R2। मैं V1 V2 इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि V1 V2 V3 तीनों V के इक्वल हैं, तो उनको हम डायरेक्टली V के इक्वल ही लिखेंगे V ओवर R3। नेक्स्ट चीज़, राइट साइड से V कॉमन है, अगर राइट साइड से हम V कॉमन ले लें तो I इज़ इक्वल टू V इंटू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। नेक्स्ट चीज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है दोनों की, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करके लिखें तो हम यूँ लिख सकते हैं I ओवर V इज इक्वल्स टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। I ओवर V 1 ओवर RE जी, अब आई ओवर वी आर ई के इक्वल होगा। कैसे होगा, इस फॉर्मूले को देखें, वी को हम इधर ले जाकर डिवाइड कर दें तो हम लिख सकते हैं आई ओवर वी इज इक्वल टू 1 ओवर R। ठीक होगा, हमने वी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ओवर RE इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। ये होगी जी इसकी फाइनल फॉर्म इस सर्किट के लिए। अब इससे हम ये रिजल्ट इन्फर करते हैं आर ई इज स्मॉलर देन आर वन आर टू एंड आर थ्री, आर ई विल बी स्मॉलर देन आर वन और आर टू और आर थ्री। ये तीनों में से, मैं ऐड की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल आर वन आर ई से बड़ा होगा, मतलब ये अकेली एक रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस से बड़ी होगी। इक्वलेंस रेजिस्टेंस हमेशा कम होगी, कैसे कम होगी तो इस चीज़ को हम देखते हैं। सपोज़ हमारे पास ये R1 है 2 ओम्स, R2 हमारे पास है 4 ओम्स, R3 हमारे पास लेट से है जी 6 ओम्स। अगर मैं RE कैलकुलेट करूं तो RE कुछ यूँ कैलकुलेट होगा, 1 ओवर RE विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 6। 2, 4, 6 तीनों की वैल्यूज वहाँ पर रिप्लेस कर दें। व्हाट अबाउट द एलसीएम, एलसीएम शुड बी 12, 2, 6 प्लस 4, 3 प्लस 6, 2। 1 ओवर RE इज इक्वल्स टू 6, 3, 9, 2, 11, 11 ओवर 12, RE विल बी इक्वल टू 12 ओवर 11। रेजिस्टेंस का मैक्स मिनिमम जो आंसर है आर वन का वो 2 है, आर टू 4 है, आर थ्री 6 है। आर ई को कैलकुलेट कर लें, अगर हम आर ई को कैलकुलेट कर भी लें तो ये आंसर 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है। अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करें तो कैलकुलेटर पे देखें तो हमारे पास आंसर कुछ यूँ होगा 12 डिवाइडेड बाई 11, इट कम्स आउट एज 1.09, और राउंड ऑफ करके मैं इसको 1.1 लिख रहा हूँ, 1.09, और उसको मैं राउंड ऑफ करके 1.1 लिख रहा हूँ। एंड अगर आप 1.1 को देखें तो आर ई इज स्मॉलर देन आर वन है, आर ई आर टू से भी छोटा है, आर ई आर थ्री से भी छोटा है। आर वन था 2, आर टू था 4, आर थ्री था 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस हमेशा इक्वलेंस रेजिस्टेंस इंडिविजुअल से कम होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट